तो आई है ना चिप्स के मुंह वाली चिप्स लेने। नींद से उठ के मासी बन गई हुई हूं। अस्तगफिर लैशा चौधरी का चांद। मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली। इनके ये पढ़ाई हो रही है इनके। ब्रेकआउट पर एक ब्रेकआउट के जो वर्कर्स नहीं होते उनका। ये आपका इंतजार था फैसल। अच्छा रोंदू नंबर वन कार्ड कौन करते सब्सक्राइब बोलते हैं भाई सब्सक्राइब। Hey guys, assalamu alaikum and welcome back. This is me, Nilma Nair. दोस्तों थोड़ी सी ना मेरे को दोस्तों नींद आ रही है यार। अभी हो रहे हैं सुबह के 7 और मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरा दिन आज का यूनिवर्सिटी में कैसे गुजरता है क्योंकि मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है। तो लेट्स गो एंड स्टे ट्यून्ड। उफ़ अल्लाह ये देखिए गाइस। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बारिशें फाइनली शुरू हो गई हैं और बहरिया को चेक करें। बहरिया के ये हालात हैं। ये आप देख सकते हैं। आपको पानी नजर आएगा जब बारिश होता है। अच्छा मजे की बात ये है अभी मैं इतना स्लो स्लो चला के आ रही थी और मैं जब छोटी होती थी ना मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार मुझे सुनना ही नहीं है ना मैं बाबा से कहती थी बाबा पानी से गुजरना है बड़ा मजा आता था पहले जब पानी उछलता था ऐसे और अब मुझे खुद ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अब मुझे पता है ऐसे नहीं करना चाहिए गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। कितनी जल्दी जल्दी बड़े हो गए ना क्या जल्दी जल्दी बड़े हो गए ना। तो गाइस मैं पहुंच गई यूनिवर्सिटी और मौसम बहुत प्यारा था बहुत प्यारे बादल आए हुए थे यूनिवर्सिटी भी बहुत प्यारी लग रही थी। हे गाइस हमारे साथ एक प्रैंक हो गया है। वो प्रैंक क्या हुआ है हम आए थे यहाँ पे लेक्चर फ्री कराने के लिए ये बारिश हो रही है ना इसलिए हमें लेक्चर फ्री कराना था और हमने करा दिया लेकिन प्रैंक हुआ ये है कि 2 से 4 एक और लेक्चर है मतलब कुछ भी रियल लाइफ प्रैंक किया। अब हम यहाँ पे जलील होंगे 4 बजे तक। फैसल कैसा लग रहा है लेक्चर फ्री करवाने के बाद एक और लेक्चर मिल गया आपको। अच्छा कान ऐसे करके सुन रहा है यार यही तो चीज क्या होते हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें एक बहुत lecture? अजीब बहुत बुरा जाना चाह रहे हैं हम सब मुझे घर जाना है मुझे अपने घर जाना है तुम्हारे गुस्सा नहीं दिखा रहा हूँ ना यार जो है फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है वो जी जी इतना बड़ा मुंह आया फैसल का नहीं फिर बादल बने आप खुद ऐसे बनाते हो ये तो सिर्फ एक्नी को करना पड़ता है जो कि क्या करना पड़ता है क्या करना पड़ता है मसला है ठीक है तुम्हारे तो नाक को पतला करना पड़ता है तुम्हारे बालों को भरना पड़ता है तुम्हारी दाढ़ी को साफ करना पड़ता है आप बोलो अरे झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है ये लोग इससे लड़ रहे हैं ये कह रहे हैं कि एडिटिंग में ज्यादा वक्त मान क्यों कैसे लगता है वो कहते हैं हमारे और फैसल पे सबसे ज्यादा लगता है वैसे प्यारे ऐसे होते हैं फेमस भी इसी वजह से ये जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं ना जब ये ऐसे लोग आते हैं ना लोग तब फेमस होते हैं ऐसे लोग छपरी लोग देखेंगे गाइस सुपीरियर पूल मछली पकड़ ले सांप तो मेरे साथ घूम रहे ईमान को निकाल के वो बिच्छू ओए मत बोल देख एंजॉय करते हुए लड़के चेक करें पड़े हुए हैं ऐसे लगते हैं हमारे साथ क्यों नहीं है ये ऐसे एंजॉय करती हैं अच्छा समझ रहे हो हमने इनको कहा कि ऐसे लड़के चुल करने वाले हमारे पास क्यों नहीं है तो ये हमें कह रहे हैं ऐसी लड़कियां पानी में खेलने वाली हमारे पास क्यों नहीं है पानी में उतर खत्म कर रहे हैं पानी में उतर खत्म कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं वो इनको साथ ही सेल्फ कॉन्शियसनेस होने लग गया कुछ खा लेते तब नहीं और तो आई है ना चिप्स के मुंह वाली चिप्स लेने चिप्स मांग रहे हैं चिप्स मांग वाले चुप कर गंदे बालों वाली Later that same evening. Hey guys, assalamualaikum. तो हम अब जा रहे हैं बाहर कॉफी पीने के लिए फिर से आ गए रे बाबा हालांकि मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं लेकिन इनके लिए मेरी छुट्टियां अभी भी चल रही हैं हाँ और मैं इधर नींद से उठ के मासी बन गई हुई हूँ और अपने आप को देखो और अभी एक और इंसान है वो और प्यारा बन के आएगी
लगे तुम चौधरी का चांद शलवार कमीज में चौधरी का चांद चौधरी अस्तगफिरुल्लाह चौधरी का चांद तू समझा नहीं तू समझा नहीं चल तकवा कह रही थी ननमा तुमने ईस्टर्न पहने में मैं और ईशा सेम सेम लगेंगे तुम अलग अब तकवा कौन अलग लग रहे जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ चौधरी का चांद ईशा ने सलवार कमीज पहने में और ईशा तकवा से प्यार करते हुए प्यार नहीं कह रही मुझे सहारे की जरूरत है चलने के लिए इसलिए जो जिन्होंने वो पकड़ी होती है ना शर्म ही नहीं आती विंटर एडम क्यों है मैं शादी पे मैं सारे बदले लूंगी कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये निकाल देना ट्राई करो ये बेइज्जती मत कराओ कुल्लियाँ ना करी बीच में कुल्लियाँ ये क्या है बस कर लिपस्टिक का बहाना करके देखो उसने साफ किया तेरे प्यार को तकवा को वो नहीं होता येलो कलर का डेम्बू नहीं होता ऐसा लग रहा है रेयर सीन मजाक कर रही हूँ रेयर सीन हम अभी पहले गए थे कॉफी पीने और अब हम आए हैं यहाँ बैठने ताकि हम बातें कर सके तब तक के लिए मिलते हैं एक ब्रेक के बाद गाइस आज हम अकेले आए हैं नलमनाश का फूल लेके बाहर हम कॉन्सर्ट करने लगे हैं हम आपको गाने सुनाएंगे कौन सा गाना गाएंगे तकवा हम मैं भी कहना चाहता बहुत से अल्फाज राखी सावंत क्या कहती हैं खुशी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है खुशी क्या है मैं तो एक जिंदा लाश हूँ मैं एक जिंदा लाश हूँ किस चीज की खुशी ये इन्होंने क्या बातें की आपसे हमने बहुत फंस की हैं हमने तकवा के बारे में जनरल क्वेश्चन अब हम जा रहे हैं पते आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली तू जाता है सुबह से एक बोतल दारू भी पी ली है स्पीड लगा के मम्मी डैडी को सुबह के आओ मेरे ये पौड़ी 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 सॉरी गाइस हाय बॉय तकवा तकवा घर जा रही है गाइस घर जाए घर ही जाए ये दो महीने बाद The next day. Hey guys, Assalamualaikum and welcome back. This is me, Nima Naz. तो आज हम सब जा रहे हैं खाना खाने के लिए लेकिन उससे पहले हम जाएंगे क्लास लेने क्योंकि हमारी पहली क्लासेस हैं हम पहले क्लासेस लेंगे फिर हम जाएंगे खाना खाने तो स्टे ट्यून्ड तो हम जा रहे थे फिफ्थ फ्लोर पे क्योंकि हमारी क्लास होती है टॉप फ्लोर पे हमें इतना ज़्यादा चढ़ के जाना पड़ता है तो गाइस स्टे ट्यून्ड ये पढ़ाई हो रही है इनकी ये पढ़ाई हो रही है इनकी मैम पास खड़ी है बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रीट बना रही है तुम आ जाओ हर जलील करने के लिए मरीज 10-5 मिनट बाद आपको मैं अपना जलवा दिखाऊंगी जलवा दिखाएगा अब हमारा लेक्चर हो गया है और हम जा रहे हैं हमने लेक्चर जल्दी फ्री करवाया और निर्मला आज को हम गाड़ी लग रही है निर्मलाज ने कलर भी करवाया और सब कमेंट करके बताया कि कैसा लग रहा है निर्मलाज का कलर लेक्चर ले लिए अब हम जा रहे हैं मेरी एक दोस्त की बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं तो मैं गिफ्ट लेके आ गई थी और मैं आई थी अपनी दोस्त के हॉस्टल ईमान के हॉस्टल जो कि बिल्कुल हमारी यूनिवर्सिटी के सामने है और इन लोगों ने रेडी होना था मैं तो ऑलरेडी घर से रेडी होके आई थी तो मैं इनका वेट कर रही थी हम जा रहे हैं लंच करने इनकी सुन ले मेरा भी यार दो अदद व्लॉग मेरा भी अदद ओके गाइस अब हम आपसे बाहर जाके ही मिलते हैं हमारी गाड़ी रेडी है गाइस और हमारा ड्राइवर भी रेडी है क्योंकि आपको दिखा दूं मेरा दोस्त है यार ड्राइवर नहीं है ए फैसल बहुत प्यारी लग रही है थैंक यू तुम भी अच्छे लग रहे हो रेडी हो ड्राइवर साहब चले तो बोलो लेट्स गो लोकेशन पे अब देखते हैं कैसी है ये
किसकी शर्ट पहन रही है? से सनस्क्रीन साफ कर लिया करो, लड़ लो। पता नहीं किसकी शर्ट पहन रही है, जो वर्कर्स उनकी टीम ब्रेकआउट वाली शर्ट पहन के आया। भाग के रहे हो, दिखाओ तुसे यार, ये वैसे ब्रेकआउट ये ना छुट्टी लेके आया अभी ब्रेकआउट से। हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि हम फ्री हो चुके थे और हमने यहाँ का खाना ट्राई करना, हमने इसके बहुत रिव्यू सुने थे, तो आज हमने सोचा हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ, अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ ये कैसा है। यहाँ पे बहुत शोर है, मेरी फुल लुक देखती हूँ। अंदर आए, अंदर आए। आइए, आपका इंतजार था। ये चिट्ठी थी कि ये पहली दफा आई है, ये ऐसे लग रही पहली दफा की। अस्तगफिल्ला, थोड़ा दूर, अच्छा थोड़ा सा पीछे होके बात करो, ये शक्ल देखिए इसकी। अस्तगफिल्ला, अच्छा देखो ये फहद आ चुका है, हमारा फहद जवेदी गाड़ी से उतर है, बाइक पे आया है, गाड़ी पे आया है, फहद टैंकी पे बैठ के आया है, बात कर रहा है, ये गाड़ी पे आई है, फहद ये नजर आ गए उनको आगे। किसने कहा था आपको चॉकलेट बॉय बन के आने के लिए? मेरा अपना दिल है। ये लुक दिखाओ अपनी, अच्छा सच में दिखा रहा है यार, ये क्या है, ये सिगरेट पी रहा है जी। फादी, हमारा खाना आ चुका है गाइस, पीछे से फहद का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बंद हो सकता, मैंने कहा पीछे से फहद का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बंद हो सकता। फैसल, अच्छा यार ये अपना अशर, अशर फ्रॉस, अशर नाराज, अशर मेरे सारे ब्लॉग देखते तो उसके बारे में ऐसा मत बोलो, अशर ये तो है ही ऐसा, आपने आइंदा से इसको पानी नहीं देना। मार्गरिटास भी आ चुकी हैं गाइस, 1, 2, 3, 4, 5 क्या लेके आए हैं, बस हमारी एंड हो गई थी, मैं थी बस चलो यार, शुक्र है आपके साथ खाना लगा। थैंक यू गाइस, हैप्पी बर्थडे टू द कूलेस्ट वन जैन बिजा, डेजर्ट आ गया हमारा और हमारे पास केक भी है क्योंकि हमारी एक दोस्त की बर्थडे है। कूलेस्ट नंबर वन, रोंदू नंबर वन। हे गाइस, अब हम जाने लगे हैं वापस घर, भागने लगे हैं वापस, जाने लगे हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी ये खत्म नहीं होगा, अभी मैंने कहीं और जाना है, आपको भी बताऊंगा। आप बिल्कुल फॉलो नहीं करना, इसको किया बस अपने, तो आप फॉलो करें, ठीक है, इनको सब्सक्राइब भी करें। यूट्यूब पे फॉलो कौन करते हैं? फॉलो कौन करते हैं? सब्सक्राइब होते हैं भाई, सब्सक्राइब। ये थे हमारे दोस्त। ओके गाइस, अब हम निकलने लगे, चीजें रख रहे हैं ये लोग। हे गाइस, तो मैं घर वापस आ गई हूँ। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था और मैंने आप लोगों से ये कहना था कि मेरे व्लॉग इसलिए इतनी देर से आते हैं क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी होती है और मैंने पढ़ना होता है, तो इस वजह से मुझे टाइम लग जाता है एडिटिंग में, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मैनेज करूँ ये सब कुछ, बट बहुत मुश्किल होता है। और अभी अभी मैं घर पहुँची थोड़ी देर पहले, मैंने मुँह भी नहीं धोया, मैंने मेकअप भी नहीं उतारा और मैं करने लगी अपनी असाइनमेंट, अभी मैं असाइनमेंट करूँगी। तो ये एक रीज़न था मेरे व्लॉग्स लेट आते हैं, लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, मतलब मेरे जानने वाले कि व्लॉग इतना देर से क्यों आता है अब, तो ये रीज़न थी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, और आज का व्लॉग इसी के साथ ये एंड होता है। खुश रहें, खुश रहने दें, एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।